अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑब्जेक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। तो सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू इसमें बी के इक्वल है और ए की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो माइनस बी हो गया। प्रोडक्ट जो है वो सी ओवर ए, वो क्यू के इक्वल। अब इसमें कहता है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि दो रूट्स हैं, एक रूट जो है वो दूसरी का स्केयर है। तो बीटा को हम रख लेते हैं अल्फ़ा स्केयर। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन में हम बीटा की जगह अल्फ़ा स्केयर पुट कर देंगे, जिधर जिधर बीटा है उधर हमने अल्फ़ा स्केयर पुट कर दिया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन थी उधर से अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू क्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू बन जाती है क्यू की पावर 1/3। अब इसको आप 1 में पुट कर दें तो 1 में हमने पुट किया, जिधर जिधर अल्फ़ा था क्यू की पावर 1/3 और क्यू की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस बी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में कहते हैं वन रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो एडिटिव इनवर्स किसी का क्या होता है? माइनस अल्फ़ा, यानी कि 2 अगर रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस 2। तो ये भी हमने उन्हीं दो क्वेश्चन में पुट किया, बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा, तो एक साइड पे 0 हो गया, p इज इक्वल टू 0। तो अगर एक साइड पे दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएँ तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में कहता है वन रूट इज मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है? 1/2। तो अल्फ़ा का क्या होगा? 1/α। तो बीटा की जगह हमने 1/α पुट कर दिए। तो इसमें भी देखें जो दूसरी क्वेश्चन है उधर जब हमने 1/α पुट किया है तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू 1, आपके पास आंसर है।